हेलो फ्रेंड, मैं हूं कैसर और आप देख रहे हैं टेक्निकल कैसर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं आपको टॉप 3 वेज बताने जा रहा हूं, तो आप जिनको यूज करते हुए अपने यूट्यूब चैनल को बहुत फास्टली ग्रो कर सकते हैं। बिलीव मी, अगर आप इन तीनों में से कोई भी वे यूज नहीं करते, तो अगर आप न्यू यूट्यूबर हैं तो ये मेरे साथ कह ले कि आप बिट लगा दें, मुझे बिलीव मेरे पे कर लें कि इन तीन चीजों के बगैर अगर आप न्यू यूट्यूबर हैं तो आप ग्रो नहीं कर सकते। इनमें से अगर आप तीनों यूज करते हैं तो वेल एंड गुड, आप बहुत जल्दी ग्रो हो जाएंगे। अगर कोई एक भी यूज करते हैं तो भी आप ग्रो, इन तीनों के बगैर अगर कोई भी इन तीनों में से नहीं यूज कर रहे हैं तो आप ग्रो नहीं होना। तो ये कौन से 3 वे हैं जिससे आप अपने चैनल को बहुत फास्टली ग्रो कर सकते हैं। नंबर 1 पे मैं रखूंगा पेड को, कि आप अगर न्यू यूट्यूबर हैं तो आप बहुत क्वालिटी का कंटेंट तो बना रहे हैं, आपने कंटेंट तो बहुत क्वालिटी का बना दिया, अब आपने उस कंटेंट को लोगों तक पहुंचाना है, लोगों तक एक्सेस देनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको लोग देखें। जब आप न्यू हैं तो ना आपके पास कोई व्यूज़ आते हैं, ना आपके पास सब्सक्राइबर हैं, तो देखना किसने है। मेरे साथ भी ऐसा होता रहा, बहुत इरिटेशन होती है, देखता कोई बंदा भी नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहला वे जो है वो उस पर मैं रखूँगा जी गूगल एड्स को, गूगल एडवर्ड को। तो आप अपने कंटेंट, अगर कंटेंट अच्छा है, आपने रेगुलरली कंटेंट डाला हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे, बहुत अच्छी वीडियोस बनाई हैं, आपको पता है कि ये लोगों के लिए ये बेनिफिट चाहिए, तो नंबर 1 वे जो है ग्रो करने का वो है जी गूगल एडवर्ड। हाँ, आपने करना क्या है कि आपने थोड़ी थोड़ी एड जो है ना, अगर मैं बात करूँ, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, उनको 500 रुपया लगा दिया, ठीक है ना, किसी वीडियो के अंदर डेली का 100 रुपया लगा दिया, थोड़ा सा उसको करना है बूस्ट, ताकि वो थोड़ा सा गूगल जो है ना लोगों तक उसको, यूट्यूब जो है ना लोगों तक उसको पहुंचाए। जब आपके कंटेंट को थोड़ा सा लोगों का पहुंचाएगा तो क्या होना है कि अगर तो कंटेंट लोगों ने किया लाइक, तो यूट्यूब ने ऑटोमेटिकली उसको सजेशन वीडियोस के अंदर लेके आना है, उधर आया तो ऑटोमेटिकली यूट्यूब की जो सर्च है उसके अंदर भी आपकी वीडियो को रैंक मिलेगा। तो ये पहला वे था जी, इसके बगैर अगर नए यूट्यूबर हैं तो अगर आपने ग्रो करना है तो 3 वे हैं, उसमें से पहला वे ये है कि गूगल एड्स को यूज़ करें और अपने चैनल को प्रमोट करें। और नंबर 2 पे मैं रखूँगा, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप थोड़ा सा मेहनत करना चाहते हैं, तो नंबर 2 पे मैं बोलूँगा YouTube SEO को लेके। तो YouTube SEO क्या है, मेरी आप एक वीडियो मेरे चैनल पे मैं इसके रिलेटेड बनाई हुई है, आप उसको जाके देख सकते हैं कि कैसे आपने YouTube SEO के ज़रिए अपने चैनल को फास्टली ग्रो करना है। उसमें क्या है कि आपने ग्रो होगा आपका चैनल थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, मतलब कि लेट्स फॉर मैंने एक बनाई है वीडियो आज, तो मैंने उस वीडियो की कंप्लीट SEO की है, तो 1-2 वीक के बाद आप खुद ही देखेंगे ऑटोमेटिकली YouTube में, एक बात आपको बताऊं, YouTube हर बंदे को मौका देता है, 1-2 वीक के बाद ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो जो है ना वो रैंक में आना शुरू हो जाएगी। तो ये था दूसरा टिप जो आपके चैनल को ग्रो करने के लिए ये आप यूज़ कर सकते हैं। और नंबर 3 पे मैं इस चीज़ को रखूँगा कि आप वीडियो बनाएं वायरल टॉपिक्स पे। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता था, वायरल टॉपिक क्या, पिछले दिनों मैं आपको बताऊंगा ये पबजी जो है पाकिस्तान के अंदर भी बैन थी, इंडिया के अंदर भी कुछ दिन बैन रही है, टिकटॉक भी बैन रही है, ऐसा कोई टॉपिक जो वायरल है जिस पे हर लोग, अब जो पबजी है उस पे हर बंदा जो इन्वॉल्व था उसको खेल रहा था, लेट्स सपोज वो हो गई है बंद, अब हर बंदा चाह रहा है कि मैं उसको खेलूँ, तो आपने वीडियो ऐसे टॉपिक पर बनानी है, लेट्स सपोज आप कह देंगे हाउ टू प्ले पबजी आफ्टर बैन, और उसके अंदर ऐसा ट्रिक बनाएं को बताएं, कोई VPN बता दिया, कोई ऐसा जो लोगों के लिए फ़ायदा, लाजमी ये बात मेरी याद रखिएगा, वीडियो ऐसे बनाएं कि जिससे किसी को बेनिफिट हो, तभी आपकी वीडियो को लोग देखेंगे, आपके साथ अटैच होंगे, आपका चैनल जो है वो ग्रो करेगा। तो ये मैं आपको एज अ एग्जाम्पल बताएं कि ऐसा कोई चैनल के रिलेटेड कोई भी हो सकता है, मैं तो पबजी के मिसाल दी है, तो आप कह लेंगे अगर आपका कोई कुकिंग चैनल है तो वो भी हो सकता है, लेट्स सपोज ईद गुजरी है, ईद से पहले 2 दिन पहले आप मटन बनाने का, कढ़ाई बनाने का तरीका बड़ी ईद के पहले, या कोई ऐसे कह लें कि आपको पता है कि ये कुर्बानी के दिन है तो लोगों ने डिशेस को बनाना सर्च करना है यूट्यूब पे, तो उसके रिलेटेड 1-2 दिन पहले आप वीडियो बना के अपने चैनल पे डालें, तो ये आपने वायरल टॉपिक ऐसे अपने चैनल के रिलेटेड जो है खुद ही ऑटोमेटिकली सर्च करके ढूंढने हैं कि कौन सा इवेंट चल रहा है, कौन सा कह लें कि ट्रेंड चल रहा है, उसके रिलेटेड आपने ये करना है। तो ये 3 चीज़ों के बगैर मेरी बात लिख लें, आपका यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं करने वाला। होप करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ इसको कर दें लाइक। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह।